वैम्पायर सुनते ही आपके मन में क्या आता है? इंसान के रूप में वो लोग जो इंसान का ही खून पीते हैं, जिन्हें धूप में जाने से डर लगता है और वो कॉफिन में सोते हैं। बचपन से हमने मूवीज में यही देखा है, मगर क्या ये सच है? गाइज, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं, और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइज, अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं, 3, 2, 1, डन। कर दिया ना? पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। 1985, फ्लोरिडा में रहने वाले कुछ टीनेजर्स एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचे अपनी एक दोस्त की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। उनका दावा था कि उनकी दोस्त सारा कल उनके साथ घूमने जाने वाली थी, मगर वो डिसाइडेड टाइम पर अपने दोस्तों से मिली ही नहीं, और पिछले दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। किसी को नहीं पता कि वो अचानक कहां गायब हो गई। पुलिस अभी रिपोर्ट दर्ज ही कर रही थी कि पुलिस स्टेशन में एक अजीब सा कॉल आया। फोन पर किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। बार बार पूछने पर भी पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने नंबर ट्रेस किया और वो मामले का पता लगाने निकल पड़े। फोन ट्रेस करते करते वो फ्लोरिडा से कई किलोमीटर दूर आ गए थे, मगर फोन की एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी पता नहीं लग पा रही थी। तभी पुलिस वैन में बैठे दो ऑफिसर्स ब्रैड और डेरेक ने रोड साइड पर किसी को गिरा हुआ देखा। वो दोनों वैन से उतरे और उस बेहोश इंसान की तरफ बढ़े। वो बेहोश लड़की और कोई नहीं बल्कि सारा थी। उसके दोस्तों ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसकी एक फोटो भी पुलिस को दी थी, जिसकी वजह से उन ऑफिसर्स ने उसे तुरंत पहचान लिया। सारा का शरीर नीला पड़ रहा था और उसकी लेफ्ट आर्म से खून भी निकल रहा था। पुलिस ने उसे उठाया और जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले गए। सारा को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स ने पुलिस को यह बताया कि 2 दिन तक लगातार सारा के शरीर से खून निकाला गया है और इसी वजह से वो इतनी कमजोर पड़ गई है। पहले तो ये केस किडनैपिंग और क्राइम से रिलेटेड लग रहा था, मगर फिर डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा बताया जो सुनकर सब दंग रह गए। उसके 3 दांत गायब थे, उसके हाथों पर जलने के निशान थे और उसकी पीठ पर एक अननोन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। ये सब देखने के बाद ब्रैड और डेरेक को विश्वास हो चुका था कि सारा को किसी बहुत ही डेंजरस ग्रुप ने किडनैप किया था। ब्रैड ने अपने साथी डेरेक को सारा के कपड़ों से मिले सैंपल्स दिए और उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल सकती थी डेरेक को निकालने को कहा। ब्रैड खुद भी उसी रात इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गया था। गाइज, अब ऑनलाइन शॉपिंग करने पर पाएं ढेर सारा कैशबैक गो पैसा ऐप से। बस गो पैसा ऐप पर साइन अप करें, अपनी मनपसंद ग्रोसरी या कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और पहुंच जाएं फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स ऐप पर। प्रोडक्ट परचेज करते ही आपके गो पैसा वॉलेट में पैसे क्रेडिट भी हो जाएंगे, फिर वहां से आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को रेफर करके आप उनकी अर्निंग का 10% भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए गो पैसा ऐप। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद वो शहर से दूर जंगल में पहुंच चुका था। उसे वो जगह मिल गई जहां सारा उन्हें मिली थी। वो उसी रास्ते पर और आगे जाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रैड वहीं पहुंच गया जहां से उसने चलना शुरू किया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे दिखा कि खून से लथपथ कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उसकी गाड़ी के पास आ रहे हैं। उन सभी के चेहरे बहुत भयानक लग रहे थे और वो धीरे धीरे
ब्रैड की तरफ बढ़ रहे थे। ब्रैड बहुत डर गया था। उसने हड़बड़ा के पीछे वाली सीट से अपनी गन उठाई और उन लोगों की तरफ तानी, मगर वो ये देखकर शॉक हो गया कि अब वहां कोई था ही नहीं। लेकिन वो वहां से निकल पाता उससे पहले ही उसे बहुत तेज नींद आने लगी, मानो किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। कुछ देर बाद जब ब्रैड की नींद खुली तो वो एक टेबल से बंधा हुआ था। उसके हाथ में एक पाइप लगा था जिससे उसके शरीर का खून एक बोतल में ट्रांसफर हो रहा था, और उसके सामने एक लड़का और लड़की बैठे थे। वो दोनों नॉर्मल इंसानों जैसे लग रहे थे, नॉर्मली आपस में बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे, मगर उनके खाने के पास एक बोतल पड़ी थी जिसमें खून भरा हुआ था, और वो दोनों उसे बारी बारी करके पी रहे थे। ब्रैड ये देखकर चौंक उठा और समझ गया कि वो दोनों शायद वैम्पायर्स हैं। ब्रैड ने अपनी नजर घुमाई तो उसने देखा कि उस कमरे में कुछ काला जादू करने का सामान पड़ा है। वहीं ढेर सारे दांत पड़े हैं जो कि काली शक्तियों को खुश करने का जरिया होते हैं। उसे अब सब कुछ समझ आ चुका था, ये भी कि सारा को भी इन्हीं लोगों ने पकड़ा होगा। रात आते आते ब्रैड के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, मगर फिर भी हिम्मत करके उसने किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोली और उस घर से भाग निकला। बाहर निकलकर उसे एक फोन बूथ दिखा जहां से उसने पुलिस स्टेशन कॉल किया, और लकीली फोन डेरेक ने उठाया। ब्रैड उसे सब कुछ बताया जा रहा था, लेकिन डेरेक को ब्रैड की आवाज ही नहीं आ रही थी, बल्कि उसे किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। डेरेक ने उस फोन कॉल को ट्रेस किया और वो उसी रास्ते पर निकल गया। कुछ ही दूर जाकर उसे ब्रैड दिखा। वो उसी जगह गिरा पड़ा था जिस जगह उन्हें सारा पड़ी मिली थी। डेरेक ब्रैड को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन कुछ ही पलों में ब्रैड ने दम तोड़ दिया। उधर सारा भी ज्यादा दिन बच नहीं पाई और खून की कमी से उसकी भी मौत हो गई। ये सब होने के बाद डेरेक ने हर दिन हर रात उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक कच्चा सा घर मिला जिसके बाहर एक टूटा हुआ फोन बूथ भी था। उस घर में कोई नहीं था। डेरेक और उसकी टीम ने जब उस घर की तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि इन सब के पीछे एक सीक्रेट वैम्पायर्स का ग्रुप था जो कि इंसानों का खून पीकर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, और ये सब करने के लिए वो काले जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। उस दिन के बाद फ्लोरिडा में कोई ऐसे केसेस तो नहीं आए, लेकिन वैम्पायर्स के ऐसे कई किस्से हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन क्या आप वैम्पायर्स में विश्वास रखते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए गो पैसा ऐप और पाइए ढेर सारा कैशबैक किसी भी तरह की ऑनलाइन शॉपिंग पर, फिर चाहे वो आपकी ग्रोसरी हो या कोई भी प्रोडक्ट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड नाउ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सब्सक्राइब करें।